आप सभी को बहुत नमस्कार। मेरा नाम मंजुला सिंह माहौर है और मैं आगरा की पूर्व महापौर हूं और दो बार से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन में प्रदेश मंत्री के दायित्व पर हूं। पूरे उत्तर प्रदेश की महिला मोर्चा की सह प्रभारी हूं और जिला प्रभारी मथुरा महानगर हूं और उससे पहले जिला प्रभारी हाथरस थी। जी, आप क्या कहती हैं, जनता का मूड क्या है? जनता का मूड तो आप भाप रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जनता का सुभाशीष, आशीर्वाद और शुभकामनाएं हम लोगों को प्राप्त हो। अच्छा, हाथरस में तीन सीटें हैं, आप क्या कहती हैं, तीन में से कितनी बीजेपी? दाऊ जी महाराज तीनों पर कृपा करेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, तो हम लोग इस कोशिश में हैं कि तीनों सीटें जीतें। जैसे मैंने क्षेत्र में भ्रमण किया है हाथरस में स्पेशली, तो जनता कह रही है कि बीजेपी 1 लाख से अधिक वोटों से लगभग अंतर आएगा। जबकि हम दिल्ली में बैठे थे तो हमें बताया गया कि हाथरस का जो कांड हुआ था वो बलात्कार और उसका काफ़ी असर यहाँ रहने वाला है। क्या कहती हैं आप, क्षेत्र में आप भी घूम रहे हैं? देखिए, जो हाथरस का कांड हुआ जिसका जिक्र बार बार उठता है, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये घटना थी, ये आपराधिक घटना थी और इसका कष्ट मुझे भी है, मेरी पार्टी को भी है, यहाँ के लोगों को भी है, सब लोगों को है। लेकिन उस घटना के बाद मैं बधाई देना चाहती हूँ अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने सारी चीज़ों को नियंत्रित किया, अपना लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया, कानून व्यवस्था का शांति व्यवस्था उन्होंने लागू की और जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को सामान्य किया, ये काबिले तारीफ बात है। और अब क्योंकि पूरा वाद न्यायालय में विचाराधीन है, कानून अपना काम करेगा और हम सारे लोगों को न्यायालय पर पूरा भरोसा है। पूरे उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूँ महिलाओं को खासकर पहला उनका जवाब होता है योगी जी को वोट इसलिए कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, और इसको विपक्ष ने गिद्ध राजनीति जो करते हैं लाश की या बलात्कारों के ऊपर, उन्होंने हाथरस को बदनाम करने की कोशिश की, योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। आप जनता में जा रही हैं, क्या लगता है इसका कोई असर है? देखिए, वो उनका काम है, वो अपना काम करेंगे, वरना मैं तो ये बताती हूँ कि हमारी पार्टी घोषणा पत्र जारी नहीं करती, संकल्प पत्र जारी करती है। और जब 2017 का चुनाव आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के को बनाने के लिए लड़ रहे थे, तब हमने संकल्प पत्र जारी किया था और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उसमें लिखा था एंटीनोमियस स्क्वाड, वो बेटियों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए था। और उसके बाद देखिए, आंकड़े गवाह हैं कि महिलाओं की छेड़छाड़ की घटनाओं में कमी आई, कानून व्यवस्था उन्होंने सख्त दी, तो आज महिलाएं आराम से 10-11 बजे वो आराम से लौट सकती हैं, अपना जेवर पहन सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, व्यापारी सुरक्षित है, अपना काम करते हैं, घर जाते हैं। तो ये जो कानून व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री जी ने कंट्रोल किया, ये बधाई के पात्र हैं और मैं समझती हूँ कि इसका एक संदेश है जो महिलाएँ वोट कर रही हैं हमारे योगी जी को दोबारा लाने के लिए। और महिलाओं ने तो जब जब तय किया है सरकार बनाई है, 2019 में मोदी जी को आशीर्वाद दिया, सरकार बना दी, योगी जी को आशीर्वाद दिया, 2017 में सरकार बना दी और आप देखिएगा 2022 में योगी जी की दोबारा सरकार बनेगी, क्योंकि महिलाओं ने, माओं ने, बेटों ने, बेटियों ने, सबने आशीर्वाद दिया है, तो योगी जी दोबारा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। धन्यवाद।